हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जूही लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप रेली कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज है 26 दिसंबर और दिन है सैटरडे और अभी दोपहर के 4 या 4:30 समथिंग हो रहा है, क्योंकि मौसम बिल्कुल धूप उप सब चला गया है। तो आज मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं गया, उसके लिए मतलब कुछ काम था, मैं बिज़ी हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं लेके आ पाई, उसके लिए सॉरी चाहती हूँ। और जो भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप लोगों के साथ भी सोचा मैं कि शेयर कर दूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो और जो कुछ भी होता है आपके साथ शेयर करती हूँ, तो ये भी शेयर करना ज़रूरी है। तो जब मैं टिकटॉक चलाती थी अभी कुछ टाइम पहले, अभी तो टिकटॉक नहीं है, बैन हो चुका है, तो जब मैं टिकटॉक चलाती थी तो एक राधे श्यामन करके मेरे बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत बहुत अच्छे फ्रेंड बने थे, जो कि अभी भी इंस्टा पे हैं और मेरी यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह सब देख। सो फ्रेंड, मेरा मन थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब मैं वीडियो बना रही थी तो मेरे भाई का फ़ोन आया और मेरे घर के पास में ही एक अंकल जी हैं, उनका डेथ हो गया है, जो कि बहुत ही बुरा लगा मुझे। मैं बिल्कुल रोने लगी थी सडनली, इतना ज़्यादा मेरा हालत, मैं लगी थी कांपने उस टाइम। तो इसी को कहते हैं कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। सो आप लोग अपने घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, अपने फैमिली को जितना हो सके उतना टाइम दीजिए, प्यार कीजिए और मतलब सबसे अच्छे से रहिए। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अभी कल परसों तक मैंने देखा था कि वो अपने डॉगी को लेके राउंड पे निकले थे, डेली सुबह सुबह निकलते थे वो। बहुत ही स्वीट, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनके आत्मा को शांति मिले, माता रानी भगवान जी, बहुत अच्छे अंकल जी थे। बिल्कुल मन ऐसा ख़राब हो गया है कि मैं आपसे क्या बताऊँ, मन भी नहीं कर रहा है कि मैं वीडियो कंटिन्यू करूँ, बट फिर भी इसको एंड कर देती हूँ मैं वीडियो को। तो बहुत बुरा लग रहा है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। आप लोग प्लीज़ प्रेयर करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वो एक्चुअली जब मैं वहाँ गई हूँ, मम्मी भी मेरी सोई हुई थी, तो मैं मम्मी के पास गई हूँ, तो मैं बोली हूँ कि मम्मी भाई का फ़ोन आया है और ऐसी ऐसी बात है, अंकल जी नहीं रहे हैं। तो मम्मी भी बिल्कुल घबरा गई है। फिर मैं मम्मी दोनों लोग गए, अभी जस्ट देख के आए हैं उनको, और पता चला है कि उनका शुगर बहुत मतलब शुगर ज़्यादा हो गया था, मतलब लास्ट स्टेज पे था। तो अचानक से कोई कह ही नहीं सकता कि मतलब ऐसे हुआ है, अभी मतलब बहुत ही अच्छे थे। सो क्या कर सकते हैं, इसी को कहते हैं बस, भगवान जी उनकी आत्मा को शांति दे। तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ और फिर से बोला तो जा नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ही बुरा हुआ, मतलब इतना रोना आ रहा है मुझे, क्या बताऊँ मैं। सो फ्रेंड, यही सब है, दिन कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। सो आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, अपने फैमिली को पूरा पूरा टाइम दीजिए और बस खुश रहिए आप लोग। सो यही बोलना था कि जो मैं टिकटॉक के मेरे फ्रेंड हैं राधे सावंत, कल उनका बर्थडे है, तो आप लोग प्लीज़ उनको विश कर दीजिएगा मेरी तरफ से। और मैंने बहुत कुछ सोचा था उनके लिए, पर बिल्कुल अब पॉसिबल ही नहीं है। मैं क्या करूँ, मतलब मेरे घर के बिल्कुल सामने ही अंकल जी का ऐसा हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हो ना कि बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बहुत दुख हो रहा है। मतलब भगवान जी, कभी किसी को ऐसा मत करो। सो फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे फ्रेंड को विश कर दीजिएगा, और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत सपोर्ट करते हैं और राजस्थान से हैं वो, पुलिस में हैं वो, और सलमान खान के जैसे दिखते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। सो प्लीज़ आप लोग उनको बर्थडे विश कर दीजिएगा, जो भी हमसे प्यार करता है प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सभी को, और फिर कल अच्छा सा वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय। अगर मेरा सब कुछ ठीक रहा तो वीडियो आएगा, नहीं तो परसों आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो कह रही हूँ, वीडियो, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, गुड नाइट, जय हिंद।
पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। Be the power, be the punch, be the heat, be the kick.